नमस्ते नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेहरा थॉमस और आप देख रहे हैं चेहरा थॉमस ऑफिशियली। बहुत दिन के बाद हम वापस आए रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज के रिएक्शन वीडियो का नाम है सूर्यवंशी। ट्रेलर को हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्ट करने जा रहे हैं। वो है ऑफिशियली आउट हो चुका है कुछ घंटा पहले। तो उसका डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म की मूवी बनाते हैं। एंड ये वाला अब देखा होगा सिंगम पर्ट वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा मूवी बनाता है वो। एंड उसका राइटर है मूवी का साजिद फरहाद, और प्रोड्यूसर है बहुत सारा है प्रोड्यूसर। एंड अरुणा बद खुद करण जौहर है, रोहित शेट्टी खुद भी है, और डिस्ट्रीब्यूटर है रिलायंस इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको। तो आर्टिस्ट है अक्षय कुमार लीड में है, एंड कैटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर, जैकी शरफ और कीमियो दिखाएगा दोनों, सिंगम और सिम्बा दोनों आएगा, मतलब रणबीर सिंह और अजय देवगन। तो बहुत बढ़िया होने वाला है ट्रेलर, एंड हम अभी तक देखा नहीं, मेरा फर्स्ट ये होगा। सो आप शुरुआत से लेके अंत तक देखिए वीडियो को, और हम बहुत दिन के बाद रिएक्शन वीडियो अपने चैनल में लेके आए हैं। मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक सही है भाई। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट, और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पर रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। सही है। ओ, I have been shot. अरे, अरे ये तो मार डालेगा रे भाई। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। रिलायंस एंटरटेनमेंट 93 में एक टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। रोहित शेट्टी ड्रामा प्रोडक्शन, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है। वीरू भाई दादा, मेरे बच्चे बीवी अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। हाँ मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली, उसका क्या? रुक जा! शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है, लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्या वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। क्या करें सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही यूनिवर्स लेवल का धंधा चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। अच्छा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? अजय देवगन। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है, और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी हाँ।
आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। March 24 ट्रेलर बहुत 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 सुपर डुपर बढ़िया था, ब्लॉकबस्टर वाला ट्रेलर है, एंड होप कि बहुत बढ़िया होगा। स्कोप वाला इसका, कोप यूनिवर्सिटी का जितना मूवी बनाया ना, ये सिंगम सिम्बा सब बढ़िया वाला मूवी है। अभी जो अक्षय कुमार लेके आ रहे हैं सूर्यवंशी, ये भी बढ़िया ही होगा, और तीनों को एक साथ देख के बहुत बढ़िया लगेगा, बढ़िया लग रहा है मतलब। एंड 24 को रिलीज़ हो रहा है, हम तो ज़रूर देखने जाएगा, पता नहीं आप लोग का क्या है, हम तो ज़रूर देखने जाएगा, क्योंकि हम रोहित शेट्टी का मूवी हम ऐसे नहीं चाहते हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी बनाते हैं। खार उराना तो उसका पसंदीदा ये है ना, ये है, तो इसलिए हम तो ज़रूर देखने जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया था, एंड कुछ वर्ड नहीं ये ट्रेलर के लिए। सुबह हम क्रिटिक्स का भी ये को कुछ कुछ देखा था, उन्होंने भी तारीफ कर रहा था, हम सोचा चलो देख लेते हैं, तो देखा सच में तारीफ की काबिलियत है वो ट्रेलर जो, एंड सुपर है। सो चलिए, तो बहुत दिन के बाद हम YouTube में आए अपना रिएक्शन वीडियो लेके, एक्चुअली टाइम इतना नहीं मिल पा रहा इसलिए। सो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे, और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन हम कुछ समय के लिए YouTube से हट गया था, बस ब्लॉग ही अपलोड किया, रिएक्शन वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी से हम धीरे धीरे करेंगे YouTube को भी। तो इसके साथ चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने ख्याल रखो। जय हिंद।